व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज जो है वो बहुत ही मज़ेदार जो है वो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये आप कह सकते हैं ये आपकी बॉडी के लिए एक स्ट्रेंथ का बेसिक फॉर्मूला है। आज जो है वो मैं देसी चिकन जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगी। देसी चिकन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखें, देसी चिकन आप एज आ शोरबे के साथ घर में यूज़ करें भी तो बहुत ही, और स्पेशली सर्दियों में देसी चिकन जो है वो बहुत अच्छा लगता है शोरबे के साथ। अगर आप किसी पेशेंट के लिए भी बना रहे हैं तो देसी मुर्गे की यखनी इस कदर अच्छी है उसके लिए, वो ताकत जो है वो आपके अंदर मजीद बढ़ा देती है और आपकी हड्डियाँ जो है वो भी मजबूत करती है। ठीक है, तो ये देखिए देसी चिकन जो है वो मैंने लिया है और मैंने जो है वो देसी चिकन को अच्छे से साफ कर लिया बिल्कुल यू। और देसी चिकन जो है वो आम चिकन की तरह बिल्कुल भी नहीं बनता है। देसी जो मुर्गी या मुर्गा होता है वो हम प्रेशर कुकर के बगैर नहीं बना सकते। इसकी बहुत ही क्विक और 5 मिनट्स इजी रेसिपी है, तो चले हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चले जी, ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हम प्रेशर कुकर बंद करने से पहले जो है वो देसी मुर्गी के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, देसी मुर्गा आपने जो है वो पानी पहले रख देना है, जब वो स्टीम छोड़ना शुरू करे तब आपने उसमें देसी मुर्गा जो है वो डाल देना है। उसके साथ जो है आपने प्याज डालने हैं और ये जो है और लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने क्यूब्स की फॉर्म में रख दिया, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपने और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं सिवाय आपने रेड चिली पाउडर, साल्ट टू टेस्ट और हमारा जो है टर्मरिक पाउडर। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। अब ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रेशर कुकर में जाएंगी। चलिए जी, ये देखें कि हमारा जो पानी है वो गर्म हो चुका है और उसने स्लाइडली कलर भी चेंज कर लिया है। ये देखिए आप स्टीम जो है वो निकलते हुए भी देख सकते हैं। चलिए जी, अब इसमें अपने अनियंस ऐड करेंगे। ये चीज़ मुझे याद रखिएगा कि जो जब आप शोरबा बनाते हैं तो उसके लिए अनियंस थोड़े ही ज़्यादा ही अच्छे हों तो तभी ज़्यादा अच्छी ग्रेवी और शोरबा जो है वो ज़रा थिक कंसिस्टेंसी में बनता है। ठीक है, अब जो है वो हम बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। अब टमाटो, अब हमारा टमाटर जो है वो भी चला गया। अब लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया, ये हमारा सुरख मिर्च पाउडर चला गया, ये हमारा साल्ट टू टेस्ट। साल्ट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा जितना भी आप जो है वो पसंद करते हैं, और ये हमारा हल्दी पाउडर चला गया। चले जी, अब जो है वो हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। बंद करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ, देसी मुर्गा जो कब जल्दी नहीं गलता है समटाइम्स, तो आप ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स भी लग जाते हैं, इतना वेट तो आपने रखना है। समटाइम्स आपको 40-45 मिनट्स भी लग जाते हैं, समटाइम्स देसी मुर्गा काफ़ी टाइम लेता है। चलो जब मैं प्रेशर कुकर बंद कर दी, हमारा जो देसी मुर्गा है वो बिल्कुल गल चुका है और मैंने उसे प्रेशर कुकर से जो है वो कढ़ाई में मुंतकिल कर लिया है। अभी जो है इसका पानी जो था थोड़ा सा रहता था वो मैंने ड्राई कर लिया है। अब जो है वो इसमें हम और अब जो है वो इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ, अगर आप किसी पेशेंट के लिए देसी मुर्गी की यखनी अगर बना रहे हैं तो उसमें जो है वो कोशिश करें कि आप देसी घी यूज़ करें, क्योंकि देसी घी जो है उसकी अपनी ही एक इफ़ात है। ये हमने ऑयल जो है वो इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब जो है वो हम इसे अच्छे से ऑयल के अंदर भून लेंगे। ये देखिए हम जो है वो अपना चिकन किस तरह से मज़ेदार लग रहा है इसको हम अच्छे से जो है वो देखें, इसका कलर आना स्टार्ट हो गया और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। अब चूँकि अजाना आ रही है हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हमारा जो है वो मिक्स मसाला चला गया। अब जो है वो धनिया पाउडर, हमारी कलबंजी जो कि हमारे इसेंशियल इन्ग्रीडियंट है, और अब हमारा जो है वो ब्लैक पेपर वो भी हमारा जो है ऐड हो गया। अब जो है वो अच्छे से आपने जो है ना अपने सालन को भून लेना है जब तक आपके बबल्स जो हैं वो ऑयल बबल्स जो हैं वो सामने आना स्टार्ट ना हो रही है। आप देख सकते हैं, देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत कलर है हमारे सालन का, आप जैसे देख सकते हैं। ऐसे ही हम अच्छे से भून लेंगे। कलवंजी प्लीज़ अपनी लाइफ में बिल्कुल इसेंशियल कर लीजिए, मस्ट कर लीजिए, आपकी हर चीज़ में लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सुबह निहार मुँह पानी के साथ 4 या 6 जो है वो इसके दाने भी यूज़ करेंगे तो ये आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। चलें जी, हमने जो है वो डिश आउट कर लिया है और आप जो है वो इसे रोटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप नान भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप जैसे पसंद करें। क्लोज लुक मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देसी मुर्गा जो है वो इसको मैंने जो है वो हल्के से शोरबे के साथ बनाया है, जबकि इसको मैंने ग्रेवी के साथ बनाया है।
आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं, आप नींबू बना सकते हैं, आप इडली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी इतनी सिंपल सी रेसिपी के साथ माशाल्लाह किस कदर खूबसूरती से हमने खा गया है। तो आप ये झटपट रेसिपी फ़ौरन से घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल भी कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप ये ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।